आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा कि IBS का मेन कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि भैया, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि IBS होने का कॉज क्या है, तब तक आप उसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और जब तक डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक उसका आप इलाज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं कि IBS किस वजह से होता है, गूगल नहीं बता पाता। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, कई साल उनकी दवाइयाँ भी खाते हैं, उनको भी नहीं पता कि IBS किस वजह से होता है। जब पता ही नहीं है कि किस वजह से होता है, तब आप इलाज क्या करोगे? तब जब आप वहाँ से थक जाते हो, हमारे पास जब आते हो, तब हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि 4-5 सालों में मैंने सिर्फ IBS स्पेशली IBS पे जो काम किया, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, उसके ऊपर जो मैंने चीज़ें बनाई हैं कि भाई इस वजह से IBS हो रहा है, ये इसके जो लक्षण है वो इस तरह के होते हैं, और ट्रीटमेंट इसका एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है जानना आप सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भैया इसका कॉज क्या है, इसको जो IBS हो रहा है इसका होने का मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पर आया हमारे सामने, वो है नेवल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारी नाभि खिसकने की वजह से IBS होता है। दूसरा जो कारण हुआ कि किसी को टाइफाइड हो गया हो। टाइफाइड बुखार जब होता है, तब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, और ये इन्फेक्शन अगर सही से क्योर नहीं हुआ, फिर वो इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर अपचन की समस्या बढ़ने लगती है, आपको अनपचा टॉयलेट आने लगता है, इस तरह की समस्या बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे जैसे पुराना होगा कॉन्स्टिपेशन होगा, या आपको लूज मोशन होगा, डायरिया टाइप का होगा, ठीक है, उसमें म्यूकस आने लग जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, टाइफाइड जो है वो दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा जो है वो भी बहुत ज़रूरी कारण है, ज़बरदस्त यही है, लोग ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं कि भैया मास्टरबेशन करते हैं, यानी हस्त मैथुन करने की वजह से अगर हमारे नेवल के नीचे का जो पेल्विक रीजन है, ये अगर कमज़ोर आप करते हो, बार बार मास्टरबेशन करते हो, तब आपका पेल्विक रीजन कमज़ोर होगा, और जैसे आपका पेल्विक रीजन कमज़ोर होगा, आप थोड़ा भी वजन उठाएंगे, खाली पेट आपकी नाभि ऊपर खिसक जाएगी, समझ गए? तो आप भी देखते होंगे आपके आसपास कि भैया आपसे ज़्यादा लोग वजन उठा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो IBS नहीं हो रहा है। तो मेन रीज़न ये है कि मास्टरबेशन करके आपने अपने पेल्विक रीजन को कमज़ोर किया, उसके बाद आपने कुछ वजन का काम किया, खाली पेट दौड़ा या जॉगिंग किया या जिम कर लिया, तो आपको जो है नेवल डिस्प्लेस हो गया, फिर वो धीरे धीरे IBS बन गया। एंड चौथा जो है जिम करने की वजह से भी IBS होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि भैया खाली पेट जिम करने से, अब देखिए कई बार हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, वेट ज़्यादा हैवी लिफ्ट करोगे और आप बेल्ट अगर लगा के नहीं करोगे, जो सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है जिम में, तो चांस है कि आपकी नेवल उस पर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, और आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, एसिडिटी होगा, धीरे धीरे वो IBS बन जाता है। ठीक है, और पांचवा जो कारण है वो हमारी लाइफ स्टाइल है, यानी कि हम अगर कहीं बाहर रहते हैं और रोज़ वही खाते हैं, और उसे गैस हो रहा है, कब्ज हो रहा है, उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, साल दो साल तक अगर उसे इग्नोर कर दिया हमने, तो धीरे धीरे जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है आंतों का, वो बढ़ता चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे जब आपके पकड़ से बाहर हो जाता है, दवाई से नहीं ठीक हो पाता है, फिर आपको लगता है ये IBS है। ठीक है, तो ये 4-5 कारण जो हैं IBS होने के बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो सिम्टम्स है, यानी जो लक्षण है वो क्या होते हैं। देखिए भैया, IBS में इतने तरह के लक्षण होते हैं कि आप पूछो ही मत। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे पहले इसमें मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, समझ गए, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको अपने में ही मन करेगा, अकेला बैठने का मन करेगा, इस तरह का होगा, एसिडिटी होगी आपको, ब्लोटिंग होगा, समझ गए, ब्लोटिंग का मतलब गैस ना तो पास हो रही है और ना ऊपर आ रही है, समझ गए, गैस अंदर ही फंसी हुई है, और आपका जी बिल्कुल घबराया हुआ है, पेट बिल्कुल फूला हुआ है, पूरा ऐसा लग रहा है कि जाम हो गया है, इस तरह के कंडीशन जो हैं देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है इसमें लूज मोशन भी होने लगता है। ठीक, चौथा कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। जब आपका लूज मोशन जो है थोड़ा पुराना होगा, फिर आपका कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद में इसमें साउंड होता है, हमारे स्टमक के अंदर साउंड होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, ये भी एक लक्षण है कि आपको IBS है। ठीक है, दूसरा नाभि के ऊपर जब आपकी
अपना लेट के आप एक बार चेक करोगे, आपकी नाभि यहाँ पे है, उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर जो है आपको अंदर से धड़कन यानी पिल्पिटेशन इस तरह से आपको महसूस होगा कि अंदर से कुछ ना कुछ धड़क रहा है, इस तरह से अंदर से कुछ हमें पेट के अंदर मार रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से वो बाहर निकलना चाहता लेकिन निकल नहीं पा रहा है, इस तरह का आपको महसूस होगा, ठीक है। तो वो नेवल डिस्प्लेस होने की वजह से पिल्पिटेशन ऊपर की तरफ होता है। सातवां जो इसके लक्षण है वो इंसोम्निया का है, यानी कि जब कई महीने कई साल गुजर जाते हैं, आपको दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हो, डॉक्टर्स भी आपको बोलने लगेगा कि ये आप मानसिक बीमारी है, इसने दिमाग पे ले लिया है, ठीक है, फिर आपको इंसोम्निया हो जाएगा, यानी नींद आने की जो समस्या है वो बढ़ने लगेगी, आपको भी लगने लगेगा कि यार अब लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ज़िंदगी मेरी ऐसे ही चलेगी, मेरा क्या होगा, मेरे करियर का होगा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ठीक है, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, इस तरह के थॉट्स जब पूरे रात चलते रहते हैं, आप लेटे रहते हो, आँख तो बंद है लेकिन थॉट दुनिया भर के चलते रहते हैं, एक थॉट आता है दूसरा चला दूसरा आ जाता है, एक ख़त्म होता नहीं दूसरा आ जाता है, और वही थॉट थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी IBS के लक्षण हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं, आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इस तरह का लक्षण हो रहा है, क्या ये IBS है या नहीं है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है दोस्त। और इसके ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो देखिए मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, आई वॉज IBS पेशेंट, सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अब मैं लोगों को ठीक भी कर रहा हूँ, लोग ठीक होके जा रहे हैं, उनका काफ़ी वजन गिर जाता है हमने ट्रीटमेंट करने के बाद, अब उनकी नॉर्मल लाइफ है, सब कुछ खा पी रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखिए हमने जो एक्सपीरियंस किया कि भैया योगा करना है, आपको डाइट फॉलो करना है और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक, यहाँ से आप नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन न्यूरोथेरेपी तक पहुँचते पहुँचते आप नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, समझ गए, तब आपको अगर ठीक होना है पूरी तरह से, आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो आपको जब भी आप ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं तब आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि अगर आप एंग्जाइटी के शिकार हैं, नींद नहीं आ रही है, पूरे दिन दिमाग में पेट का ही समस्या चलता रहता है, पेट में ही दिमाग लगा हुआ है, निकल नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो कब ठीक होगा कैसे होगा, यहाँ भी आने के बावजूद भी अगर दिमाग में चलता है यार मैंने इतनी सारी जगह दिखाया हूँ, यहाँ भी दिखा लेता हूँ, क्या पता ठीक हो ही जाए, तो इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ ठीक होने के लिए आइए। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि भैया इसमें समय लगता है, महीना डेढ़ महीना मैक्सिमम 2 महीना, आपको ज़िंदगी अगर दोबारा पाना है तो ये समय आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, 1 महीना 2 महीना ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, योगा हमें कंपलसरी करना है, ठीक, योगा करने से हमारा जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो जल्दी कम नहीं होगा, डाइट जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप सब कुछ खा रहे हैं ऑलरेडी आपके हाथों में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, सूजन है, और आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो और ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ता चला जाएगा, किसी को नले पड़ गए हैं, पेट पत्थर जैसा हो गया है, तो वो अगर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो आप, या पेट साफ करने वाला कुछ भी लैक्सेटिव नहीं ले रहे हो या इसबगोल नहीं ले रहे हो, तो आपका पेट और ज़्यादा टाइट होता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर आपको IBS है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो, कहीं लेने नहीं जा रहे हो, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, 2 दिन के बाद में आपको प्रेशर आता है, 3 दिन के बाद आता है, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है, आता भी है तो बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है, पूरा नहीं निकलता है, 10% 20% पेट साफ होता है, तो ऐसे में आपको पेट साफ करने के लिए इसबगोल लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट लेने आएंगे तब धीरे धीरे जैसे आपका बॉडी का एसिड एल्कलाइन बैलेंस होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपकी सेट होगी, ठीक है, आंतों की सूजन जो है हम निकालेंगे, थोड़ा नेवल को सेट करेंगे, तब जाके आपके आंतों की मूवमेंट जो है बढ़ेगी नेचुरली, तभी जाके आपका पेट साफ होगा, उससे पहले आपको पेट साफ करने के लिए लैक्सेटिव लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, वीडियो बहुत फटाफट मैंने बनाया है, बहुत जल्दबाजी में बनाया है, ठीक है।
और अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सारे वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ कि भैया लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वो पैसा इसमें यूट्यूब से मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। मेरा काम है भैया ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक खुद को पहुँचाना, खुद के काम को पहुँचाना कि हम कैसे ठीक कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें पहुँचाना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को लाइक किया करो, और थोड़ा जो परेशान है इस तरह का उनके साथ उसे शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।